जय भीम दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने की थी दूसरी शादी पर क्यों? उनका परिवार और बेटे हुए थे नाराज। आज भी ये सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की, जब डॉक्टर अंबेडकर का इलाज डॉक्टर सविता कर रही थी और फिर बाद में उन्हीं से शादी कर ली तो खुद उनके लोग ही नहीं बल्कि परिवारजन ही इससे खासे नाराज हो गए। उनकी नाराजगी हमेशा बनी रही। इसी वजह से जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ तब उनकी दूसरी पत्नी पर कई तरह के आरोप परिवार की ओर से लगाए गए। आमतौर पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जब उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल निकल भी चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहेब अंबेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी थी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। बाबा साहब अंबेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता अंबेडकर रख दिया था। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थी। वह पुणे के संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफी कुशाग्र थीं। पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई से MBBS किया। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित ही रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थीं, तब उनकी उम्र 38 साल थी। हालांकि वह अपना काम इतनी बखूबी करती थीं कि एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बना ली थी। इलाज के दौरान वे डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक आ गईं। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी ये शादी रास नहीं आई। खट्टास ता जिंदगी बनी रही। बाबा साहेब अंबेडकर की पहली शादी कम उम्र में हुई थी। बाबा साहेब की पहली शादी 1906 में हुई थी। बाबा साहेब तब 15 साल के थे और उनकी पहली शादी रमाबाई से हुई थी। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उत्थान में जोरों शोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए। केवल बड़े बेटे यशवंतराव ही लंबे समय जीवित रहे। बाबा साहेब के बच्चे ज्यादा पढ़ भी नहीं सके। यशवंतराव भी केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा पा सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। विधायक भी बने। बाबा साहेब काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। अगले 13 सालों तक बाबा साहेब ने विवाह के बारे में सोचा भी नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर अपने इलाज के दौरान डॉक्टर सविता के करीब आए और शादी की। 1940 के दशक के आखिर में वह जब भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुई। नींद नहीं आती थी। पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थीं। इलाज के लिए बाबा साहेब बंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब ऐसे साथी की भी जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर कर सके। चूंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थीं, लिहाजा वो उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वो जब मान गईं तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कहीं गईं। ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों के एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि यह ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहेब जो भी करते हैं सोच समझ करते हैं। बाबा साहेब ज्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उन्होंने उचित ही किया होगा। अब जानिए बाबा साहब ने जब दूसरी शादी की उसके बाद उनके क्या ख्याल थे। अंबेडकर खुद उनके समर्पण और सेवा की तारीफ करते थे। जब उन्होंने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा लिखी तो पहली बार में ये बगैर भूमिका के प्रकाशित हुई। 15 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने इसकी भूमिका फिर लिखी। विवादों को किनारे रखें तो कोई शक नहीं कि डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही। नई भूमिका के साथ किताब को फिर प्रकाशित किया जाना था। भावुक अंदाज में इसमें लिखा कि किस तरह उन्हें पत्नी से मदद मिली।
अंबेडकर के निधन के बाद नाराज करीबियों और अनुयायियों ने प्रकाशक पर दबाव डाला कि ये भूमिका हटाई जाए। इस तरह लोगों के विचार सामने आए जो उन्होंने पत्नी के बारे में लिखी थी। ये बात 1980 में सामने आई जब पंजाबी बौद्धिस्ट लेखक भगवान दास ने उनकी उस भूमिका को दुर्लभ भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। अब जानिए जब अंबेडकर के निधन के बाद उनकी दूसरी पत्नी पर आरोप लगे। हालांकि निधन के बाद अंबेडकर के बेटों और करीबियों ने सविता अंबेडकर पर उनका ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से अलग कर दिया गया। उन्होंने खुद को दिल्ली में अपने महरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। बाद में युवा रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और गंगाधर गाड़े दोबारा अंबेडकर आंदोलन को मुख्य धारा में लौटा कर लाए। हालांकि उम्र बढ़ने पर वह फिर अलग हो गईं। उन्होंने बाबा साहेब पर संस्मरण बाबा साहेब बंचा सहवासत लिखा, उन पर बनी फिल्म में योगदान दिया। सविता अंबेडकर का देहांत साल 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई के जे अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।